मॉर्निंग गाइस, और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30, आई मीन 6:45। आप देख सकते हो संतरा ये भी हमारा सीन ये था। आज मॉर्निंग में उठ के बीच पे जाएंगे सनराइज देखने के लिए, बट कल रात को प्लान बनाया था और अभी रिसेंट में पता चला कि सनराइज जो है वो साउथ साइड से होता है और नॉर्थ में सनसेट होता है। तो सनसेट हमने देख लिया था, सनराइज के लिए जा रहे थे, बट वो अभी शायद तक साउथ से होता है तो स्टिल कंफर्म नहीं है, बट हम जाएंगे वैसे बीच पे मॉर्निंग में, है ना। वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद चर्च वगैरह जाएंगे और भी चीज़ें। आज सीन ऐसा है कि मतलब मैं 2 दिन से रोज मॉर्निंग में उठ रहा हूँ, आदत ही है, तो 2 दिन से उठ रहा हूँ एंड लिटरली ये लोग नहीं उठते कोई भी। सबसे पहले मतलब जल्दी कोई उठता ही नहीं है और 2 दिन से हमारे दिन वेस्ट हो रहे हैं। हम 2 दिन से अराउंड 12 बजे के बाद ही जा रहे हैं मतलब घूमने के लिए, तो जो सुबह है सुबह का टाइम वो पूरा वेस्ट होता था हमारा। तो आज फाइनली कल इतना बोलने के बाद सबने डिसाइड किया आज 4 है लिटरली। अब बहुत मतलब नींद में, अभी भी लोग नींद में, तो मैंने उठाया सबको 5 बजे और उनके चेहरे देखने लायक आपको दिखाते हैं। अभी सब तैयारी कर रहे हैं, आधे नींद में है, होप सो उठ गए सब लोग और अभी जाएंगे हम थोड़ी देर में, आपको दिखाता हूँ सबकी शक्ल। गरम पानी, मैंने भी गरम पानी किया ना। क्या गरम पानी मैंने क्या भाभी ने की थी? हाँ, तो वो मैंने सोनू भैया के लिए किया, वो वाला गरम पानी। जल्दी करो कपड़े पहनो और आपको दिखाते हैं बाकी लोगों को क्या सीन है। अभी ओरे मेरे बाप रे, सुबह सुबह चमक रहे तुम तो सुबह सुबह। बिल्कुल अरे बाप रे, क्या रेडी हो रहे तो एकदम हो गए बेटा। यस ऑल सेट। भाई कैसा लग रहा है इतना सुबह उठ के? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा है ना। सर बंदा रहा सबका, तुमको कैसा लग रहा है बेटा? हनी मेरा तो रोज का, मैं रोज जल्दी उठती हूं। नहीं यार, आने के बाद जल्दी उठना मतलब थोड़ा प्रॉब्लम। हां वो भी लगाऊंगे क्या अभी? हाँ तो और क्या, मीठा ही बन जाता हूँ ना बिल्कुल। कोयल स्टाइल तो फाइनली हम आ गए कैंडलिन बीच पे और ये देख सकते हो एंट्रेंस पर हमारे बाकी ये सारे लोग। हाय बाप रे, ऐसा बोलना ना ऐसे बीच में क्या वो हीरो में सुबह के मजे। सीन ऐसा है कि मैंने लाया कपड़े, बीच पे जाना था, बीच में भाई अपन नहीं गए अंदर पानी के तो मज़ा आता नहीं, ठीक है। इन लोगों ने कपड़े लाए नहीं, तबीयत ऐसे बहुत लोगों की ख़राब है, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सर्दी खांसी ऑलमोस्ट गला सबका बैठ गया, बट स्टिल जाएंगे पानी में, है ना। और अब मैं अकेले जाऊँगा, बाकी कपड़े नहीं लाए और लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, अपन इंटरेस्ट दिखाएंगे आज के। तो भी सबको बोल बोल के इतने सुबह लाया है एंड जो व्यू है सुबह का आप देख सकते हो बहुत प्यारा है, है ना। इवनिंग और मॉर्निंग में थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है और अभी सूर्य अभी बस निकला है तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ कार में बैग लेने के लिए, सामान उसमें, तो मारेंगे डुबकी। चलो देख
निकल रहे हम लोग, मतलब मैं ही निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से वाटर एक्टिविटी करने के लिए, जो मेरी बहुत इच्छा है, जो बाकी हमारे ग्रुप मेंबर्स है उनकी इच्छा नहीं है, उन्होंने पहले आके इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया, मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे तो करना है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ। अब उसमें मुझे मतलब यहाँ से वहाँ जाना है तो मुझे अभी छोड़ के देंगे, वो दिखाते हैं वाटर एक्टिविटी जो मेरी बहुत इच्छा थी करने की, और मैं वो करूँगा। तो अभी हम बीच से निकल के आ गए हैं एक्टिविटीज करने के लिए। अब यहाँ से इस पे बैठेंगे, फिर क्या बोलते हैं इसको, फेरी या जो भी, इस पे बैठ के जाएंगे बोट, ठीक है, यहाँ से फिर कोई आइलैंड पे जाने वाले हैं, फिर वहाँ से जो डिस्टेंस है अराउंड 30-40 किलोमीटर से, वहाँ पे हमारी वाटर एक्टिविटीज़ होंगी, लाइक मेरी, मैं अकेले जा रहा हूँ, मेरा ग्रुप नहीं जा रहा है, बाकी सब विला जाएंगे, फिर शाम को मैं उनसे मिलूँगा वहाँ पे, ठीक है, आपको दिखाते बाकी। तो फाइनली अभी पैसे वैसे पे कर दिया, अब जा रहे हम बोट पे, एक्साइटेड भी है और अभी अकेले हो तो थोड़ा ऑकवर्ड भी फील हो रहा है, बट ट्राई करेंगे पूरा। अभी अब कौन सी बोट है पता नहीं, देखते हैं। क्या मिल रहा अभी यहाँ पे, पैटीज मिलेंगी, टेस्टी है कि नहीं, और ये सब हमारे साथ भी जाएंगे, ये हमारे भाई कोल्हापुर से, ये कोल्हापुर, हम सातारा से, सातारा, अरे और हम कोई बैठे, ये दो भैया, एक एक क्या यार, कंजूसी मत करो अभी। अभी हम यहाँ से निकले पैराग्लाइडिंग करने के लिए, और अभी हम आपसे बस क्या हुआ है कि पहले बोले देख ही जाएंगे जब हमको स्टार्टिंग में पड़ता था, पर अभी जा रहे हैं दो दो करके, और शायद ही एक मिनट को ऊपर लेंगे, आइडिया नहीं है, आपको दिखाते हैं आगे। फाइनली मैं वापस आ गया, मतलब सच बता रहा हूँ इतना पानी में, मतलब बोट में कभी ट्रैवल नहीं किया है, और इतना जाके अराउंड कुछ 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, और अपना एक्टिविटी अलग की है, ऑलमोस्ट सबको उल्टी हुई, सबको कैसे तो भी मैंने अपने आपको संभाला है, उल्टी नहीं किया तेरे भाई ने, और देखते एक्टिविटीज़ की है, ठीक ठाक था जो भी एक्सपीरियंस बोलूँगा, फर्स्ट टाइम किया तो अच्छा लगा था जो भी एक्टिविटीज़ थी। अभी यहाँ से बस में जाना है, जो मुझे ड्रॉप करेंगे अभी उनको पूछना पड़ेगा, अब यहाँ से बागे बीच जाएंगे, फिर जो बाकी के हमारे साथ वाले हैं वो मुझे वहाँ पे पिकअप करेंगे। चलिए तो अभी मैं वहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया हूँ, ये क्या नाम है, डेल्फिनोस करके कोई भी प्लेस है, ये डीमार्ट टाइप ही, और
कुछ हमारे लोगों को यहाँ से कुछ सामान लेना है और यहाँ पे ही मुझे पिकअप करने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि जहाँ मैं था वहाँ से ये सबसे पास जगह थी और उनको यहाँ काम है, तो यहाँ से पिकअप करेंगे। और अभी कुछ खाया नहीं है तो पहले मैं खाने के लिए देखता हूँ, कुछ ना कुछ को मुझे खाना है, दिन भर से भूखा हूँ मैं। थैंक यू। सो फाइनली मुझे लेने के लिए आ गए ये सब मेरी बहन वगैरह। और अभी हम आ गए क्या क्या नाम था उसका, टेंस प्लेस तो उसके नाम था। हाँ, उसके अंदर आ गए और आपको दिखाता हूँ मैं जन्नत। ये सब तो अपनी वाइन है, मे भी ये वाली वाइन है, बाकी तो रम और मोंक। तो अभी हम वहाँ से निकल के आ गए गुपचुप खाने के लिए। हमारी ये लेडीज़ है, उनको गुपचुप खाने की बड़ी इच्छा है, मतलब इन्होंने कल खाया था तो बहुत अच्छा गुपचुप मिलता है बोले यहाँ पे। और इन्होंने डील की थी इन लोगों से कि कल 40 रुपये प्लेट थी तो आज 30 रुपये प्लेट है, अगर हम ज़्यादा कस्टमर लाएंगे तो उसके चक्कर में हम लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती लाया। हम देखते टेस्ट आपको बताएंगे कैसा है। तो अभी हम गुपचुप खा के मैं गया था विला में, फ्रेश होकर हम वापस निकले, मतलब मैं और दो हमारे साथ है, बाकी सब तो थक गए तो विला में ही है। हम अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने वापस, हम कलंगूट बीच पे है, आसपास बीच में जाएंगे थोड़ा बहुत इन्जॉय करके नाचेंगे मे बी, क्योंकि अभी आज तो शॉपिंग करनी है इन लोगों को, तो जाते के अभी शॉपिंग करेंगे। हम दो दिन पहले आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आज खाली है, खाली दिख रहा है ना, आज ही भीड़ है बट डांस के लिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। अब देखते हैं नाचने में मजा आएगा, आपको दिखाते हैं। हम बीच से निकल गए, मतलब ज़्यादा कुछ हमने एंजॉय नहीं किया था, बहुत नाचे वाचे हम लोग, इसके पहले भी गए। अभी हमको शॉपिंग करनी थी, टाइम भी नहीं था हमारे पास और वो वैसे भी 10 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, कलंगूट बीच का जो भी जो सीन है, जो मेन सीन है नाचने का या जो भी आपने देखे होंगे वीडियो में, वो बंद हो जाता है 10 बजे। तो हम वहाँ से निकल गए वैसे, और अभी हम आए शॉपिंग करने के लिए। हमारे भाई अभी शॉपिंग कर रहे हैं, अभी शॉपिंग करेंगे, मैं भी देखूँगा शॉपिंग करने के लिए, और कलंगूट का मार्केट है। अभी हमने शॉपिंग भी कर ली, तो शॉपिंग हमको करनी थी और हमको लगी भूख विला में जाने का, अपन तो खाएंगे विला में, अभी जाने के लिए टाइम लगेगा और हमको लगी बहुत दूर से भूख, और वहाँ पे भी खाने का कोई सीन नहीं है तो हम भी बाहर ही खाएंगे। फिर एक तो थाली दिखी हमको, तो हमें भी थाली खाने की फिराक में, अगर कुछ और अच्छा लगे तो वो खाएंगे, हमको दिखाते हैं।